तो आज की टॉपिक है हमारी ऑपरेटर्स। ओके, तो ऑपरेटर्स होता क्या है? ऑपरेटर्स इज अ इन जावा इज अ सिंबल दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि यूनरी ऑपरेटर्स, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल एंड कंडीशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, लॉजिकल एंड शिफ्ट ऑपरेटर्स, फिर अदर टाइप्स ऑफ जितने ऑपरेटर्स होते हैं वो सारे टाइप के ऑपरेटर्स। तो मैं अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे एक ऑपरेटर को प्रैक्टिकली करके मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पर क्या होगा या इस जगह पर क्या है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ओके, तो ये काम कैसे करते हैं और इसकी इसकी मतलब इस पे प्रायोरिटी क्या होती है। ओके, और ये कैसे डेटा को थ्रो करता है। ओके, तो इसमें होता है, पहले आप देख सकते हो यहाँ पे दिखेगा आपको प्लस प्लस एन। तो ये क्या करता है, ये पहले इंक्रीमेंट एन बिफोर इट्स वैल्यू इज यूज्ड। ओके, और इसका मतलब ये कि ये पहले एक वेरिएबल के अंदर रखी हुई, अगर एक इंटीजर टाइप की वेरिएबल है तो उसके अंदर रखी हुई जितनी वैल्यूज है ना, वो उसको पहले इंक्रीमेंट करेगा एंड देन वो किसी और वेरिएबल के अंदर अपनी वैल्यूज को स्टोर करेगा। जस्ट लाइक आप कभी भी कोडिंग इसमें आप देख सकते हो, तो वहां पर हमेशा राइट टू लेफ्ट हमारी वैल्यूज जाती है। अगर ए इज इक्वल टू एन है और एन की वैल्यू 10 है, 10 है, और मैं 10 को प्लस एन को मैं प्लस प्लस एन कर रहा हूँ, तो वहां पे वो वैल्यूज क्या होंगी? अगर ए में अगर मैं वैल्यूज को मैं रख रहा हूँ तो उसकी वैल्यू होगी 10 है, तो प्लस प्लस एन अगर है तो वो पहले इंक्रीमेंट करेगा एंड देन उस वैल्यू को ए में स्टोर करेगा। ओके, तो ये होती है इंक्रीमेंट की, वो कब, जबकि हमारी वैल्यू पहले पहले ही इंक्रीमेंट हो जाए एंड देन वो हम किसी और वेरिएबल के अंदर रखते हैं। और एन प्लस प्लस मीन्स क्या होता है कि ये इंक्रीमेंट एन बिफोर इट्स वैल्यू हैज बिन यूज्ड। तो ये इसका कहने का क्या है कि वो पहले क्या करेगा, वो वैल्यू को पहले उसके अंदर रखी हुई वैल्यू को वो दूसरे वेरिएबल के अंदर रखेगा एंड देन बाद में उस वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, उस वेरिएबल के अंदर रखी हुई वैल्यूज को इंक्रीमेंट करेगा। तो उसको कहते हैं हम बिफोर एंड आफ्टर। और डिक्रीमेंट का भी ऐसा ही होता है, वो पहले अपनी वैल्यूज को थ्रो करता है एंड देन वो फिर ये करता है, स्टोर करता है, या फिर वो इंक्रीमेंट पहले करेगा एंड देन वो वैल्यूज को थ्रो करेगा। तो ये सेम ही टाइप के होते हैं, बस आपको समझना होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होता है। ओके, तो ये हमारी प्रायोरिटीज होती हैं एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की। अब मैं चलता हूँ आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि यहाँ पर कैसे मैं इसे यूज कर रहा हूँ और इसकी जो आउटपुट आएगी वो किस तरीके की आउटपुट आएगी। ओके, तो यहाँ मैं आप देख लो, मैं सिस्टम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ और इंट ए की वैल्यू मैं 10 रख दिया हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये क्या है, करेंट वैल्यू ऑफ ए इज, तो यहाँ पे जो स्टोर ये जो वैल्यू दिखाएगा वो 10 दिखाएगा। क्यों? क्योंकि मैं डायरेक्टली ए की वैल्यू को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। और फिर नेक्स्ट लाइन में अगर आप देखोगे तो यहां देखो आप क्या है कि आपने अगर आप डेटा स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे तो वहां पर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इस ब्रैकेट की होती है। ओके, ये जो ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट की होती है। तो ये ब्रैकेट हमेशा मतलब इस टॉप पे रहता है। तो पहले जो, तो आप यहाँ देखो कि ये जो कंपाइलर है ना, कंपाइलर पहले सबसे पहले इसे रीड करेगा, इस चीज को रीड करेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारी जो प्रायोरिटी होती है किसी भी ऑपरेटर की वो इस ऑपरेटर की होती है, इस ब्रैकेट की होती है। तो पहले कंपाइलर इसमें आएगा। ओके, एंड देन यहाँ पर आकर वो फिर देखेगा कि इसके अंदर कौन सी ब्रैकेट है। ओके, एंड देन इस ब्रैकेट के अंदर रखी हुई एक, अगर उसके अंदर एक और छोटी ये ब्रैकेट है तो इसके पहले इसके अंदर जाएगा एंड देन इसको पहले इस वैल्यू को, ये है पोस्ट इंक्रीमेंट, इसे हम कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, और अगर यहाँ इसे हम कहते हैं प्री इंक्रीमेंट। ओके, तो अगर ये वैल्यू अगर यहाँ पर पहले ये क्या करेगा, इसे थ्रो करेगा, पहले इसे शो करेगा, आउटपुट पे दिखाएगा, प्रिंट आउट प्रिंट एलन करेगा, प्रिंट करेगा एंड देन उसके बाद से उसे इंक्रीमेंट करेगा, तो हमारी वैल्यू यहाँ तक 10 ही रहेगी। ओके,
फिर जब मैं यहाँ पर, अब मैं जब इस वैल्यू को अगर मैं देखूंगा यहाँ इस थर्ड लाइन के सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में, तो इस लाइन में हमारी वैल्यू 11 होगी, एंड देन फिर इसी तरह ये चलता जाएगा। तो ये होती है हमारी प्रायोरिटी एक ब्रैकेट की, एक ऑपरेटर की, कि वो ऑपरेटर कैसे काम करता है और कैसे इंक्रीमेंट करता है और कैसे डिक्रीमेंट करता है। तो मैं आपको अभी यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ कि ये कैसे इसकी आउटपुट होगी। तो आप अभी देख लो, तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, करेंट वैल्यू ऑफ ए इज 10, ओके। फिर ए आफ्टर ए प्लस प्लस बिकम 10। अब उस अभी तक वो 10 था, फिर जब उस वैल्यू को वो थ्रो कर दिया बाद में, वो पोस्ट इंक्रीमेंट था, इसे पोस्ट इंक्रीमेंट कहते हैं। तो ये जब इस वैल्यू को जब थ्रो कर दिया एंड देन फिर उसको इंक्रीमेंट कर रहा है, तो उसकी वैल्यू हो गई 11, ओके। अब फिर उसके थोड़ी देर बाद उसकी वैल्यू हो गई 12, क्योंकि ये प्री इंक्रीमेंट है, इसे प्री इंक्रीमेंट कहते हैं। पहले ये इंक्रीमेंट करेगा देन उस वैल्यू को थ्रो करेगा, तो यहाँ पे 12 हो गई, और फिर ये इसी तरह चलता चला जाएगा। तो अगर आपको एक बार ये समझ में आ गई ना, तो फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आप पहले इस चीज को अगर आपको समझना होगा, तो मैं एक और टॉपिक दिखाऊंगा, बताऊंगा आपको, जो कि डेटा स्ट्रक्चर में होगी। वो ऑपरेटर्स प्रायोरिटी के ऊपर दिखाएगी कि ऑपरेटर्स की क्या क्या प्रायोरिटी होती है और कंपाइलर सबसे पहले किसे रीड करता है। ओके, तो जब आप वो समझ जाओगे, तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी सारी कंफ्यूजन यहाँ क्लियर हो जाएगी। अगर आपको अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अदरवाइज बहुत सही है, आप समझ जाओ तो अच्छी बात है। और ये मतलब आपको मैं उतने अच्छे से बता दिया हूँ कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। ओके, और फिर वो इसी तरह चलता चला जाएगा। तो ये होती है हमारी कौन सी ऑपरेटर्स, हमारी यूनरी ऑपरेटर्स। ओके, अब मैं आपको बताने वाला हूँ लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब यहाँ पर है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या है कि या तो ये ट्रू शो करेगा या तो ये फॉल्स शो करेगा। ओके, तो ये आप देख लो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैंने करा, और फिर यहाँ बुलियन में मैं एक वेरिएबल लिया हूँ जिसके अंदर ट्रू एक वैल्यू को मैं स्टोर कर दिया हूँ। ओके, अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इस साइन का मतलब होता है नॉट इक्वल्स टू। ओके, कि क्या वो मतलब नॉट इक्वल्स टू है या नहीं है। ओके, तो या फिर वो आपको उसकी अपोजिट वैल्यू को दिखाएगा। ओके, जो भी ट्रू है उस फॉल्स दिखाएगा, फॉल्स है तो ट्रू दिखाएगा। तो ये होता है मतलब लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसमें कोई मतलब बड़ी इसमें कोई चीज नहीं है, ये सिर्फ ट्रू या फॉल्स शो करता है बस। हाँ, इस फॉर्मेट पे इसको लिखते हैं, इस वजह से मैं आपको बता दिया कि अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हुआ, तो आप यहाँ से देख कर अपने कोड को सही कर सकते हो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप समझ लो तो ये जो भी ज्यादा कंफ्यूजन होती है, जैसे कि बहुत से मतलब लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं हमारे एंड और ये सब, तो वो उस चीज में आपको यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। सॉरी, मैं अभी आपको यहाँ पे इसकी आउटपुट नहीं दिखाया, तो पहले मैं इसके आउटपुट को रन इसको रन करके इसके आउटपुट दिखा देता हूँ कि लॉजिकल ऑपरेटर्स इज करेक्ट, वैल्यू ऑफ नाउ इज फॉल्स। ओके, तो यही है जो ये शो करता है जो भी अपोजिट साइड। अब हम बात करने वाले हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स की। कंडीशनल ऑपरेटर्स में आप थोड़ा ध्यान से देखना, और कोई ज्यादा ये नहीं है, बस आप देखते रहो, मैं समझाता चला जाऊंगा, आपको समझ में आती चली जाएगी सारी बात। तो यहाँ देखो, बुलियन, मैंने एक बुलियन कैरेक्टर एक लिया, डेटा टाइप लिया है जिसमें ट्रू रखा है और एक में फॉल्स रखा है। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक इंटीजर टाइप के एक वेरिएबल लिया हूँ जिसमें 10 रखा हूँ। यहाँ तक आपको सारी बात समझ आ गई होगी। ओके, अब देखो इस चीज को अभी आप भूल जाओ, क्योंकि ये मैं इस जगह के लिए कर रहा था, लेकिन यहाँ पे मैं बी मतलब एक नई वेरिएबल को रख लिया, तो इसको आप यहाँ पे हटा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है, ए ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू वेर एंड, ये साइन एंड की होती है, एंड एंड ट्रू वेर। अगर ट्रू 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 एंड ट्रू क्या होती है और ट्रू एंड फॉल्स क्या होती है, फिर ये और ऑपरेटर की साइन है। ओके, तो ट्रू और ट्रू क्या होती है और ट्रू और फॉल्स क्या होती है, और फिर फॉल्स और फॉल्स क्या होती है। तो ये सभी चीज को बताना कि यहाँ पे क्या होता है, इसके अपोजिट इसकी वैल्यू क्या होगी, ये सब क्या होगा। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ इसको रन करके,
देखो, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, ट्रू और ट्रू इज ट्रू, ट्रू और फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स, समझ रहे? तो ये होते हैं हमारे कौन से, कंडीशनल ऑपरेटर्स। तो कंडीशनल ऑपरेटर्स काम ऐसे करता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं टर्नरी ऑपरेटर्स। तो टर्नरी ऑपरेटर्स के लिखने के टाइप्स ये होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये भी, मतलब एक तरीके से इसे आप कह सकते हो, या तो ये इफ या एल्स, ये इस टाइप का ही होता है। और इफ या एल्स और कुछ नहीं, मतलब इसी टाइप में होता है। मतलब आपको बस मैं हिंट दे रहा हूँ कि ये किस टाइप में इसकी वर्किंग होती है। अगर आप देख लो कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, बी बी की वैल्यू मैं यहाँ 10 रख लिया, ओके, और बी एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है। अब इसके अंदर मैं 10 रखा हूँ, तो 10 10 बी क्या इक्वल्स टू 10 है या नहीं है? अगर ये है तो यहाँ पर ये बी शो करेगा, ये जो b की वैल्यू है ना वो 10 शो करेगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे 0 शो करेगा, या फिर आप जो भी आपको लिखना होगा वो आप लिख सकते हो, ओके। या तो ये शो होगा या तो else। तो आप इस तरीके से अगर आप देखो तो ये else टाइप का ही होता है, बट थोड़ा डिफरेंट है ये। और यहाँ पे बीच में क्वेश्चन मार्क होता है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो ये क्वेश्चन, ये इसके लिखने का एक सिंटेक्स हो गया, एक तरीका हो गया कि कैसे इसे लिखते हैं। तो अगर मैं इसे रन करूंगा, अब देखो बी क्या छोटा है 10 से, और ये क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मतलब एक तरीका है। आप अगर आप इसको पूरा अगर अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन टाइप से पूछा जा रहा है। जैसे बी क्या छोटा है 10 से, ये क्वेश्चन मार्क, क्या हाँ या नहीं, अगर है तो वो वैल्यू 10 शो करेगा, अदरवाइज 0 शो करेगा, ओके। तो अभी मैं इसे रन करता हूँ, तो देखो टर्नरी ऑपरेटर 10, क्यों? क्योंकि जो बी है, बी की वैल्यू ऑलरेडी 10 थी, और यहाँ पे बी 10 के इक्वल है, तो इस वजह से यहाँ पे 10 शो करेगा। और यहाँ बोल रहा है कि मैं बोला बी क्या लेस देन 10 10 है, तो ये शो करेगा 0, क्योंकि ये फॉल्स है, क्योंकि बी की वैल्यू 10 ही, 10 पहले से डिसाइड की हुई है, तो इस वजह से वो 10 ही शो करेगा। तो ये हो गए हमारे टर्नरी ऑपरेटर। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, ओके बाय।